हेलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट वन देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके साथ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन के सब क्वेश्चन वन में देख सकते हैं ए बी सी डी फोर ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो इन्हें हम कहेंगे फोर अल्टरनेटिव आंसर तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इफ एम इक्वल्स टू देखो ये क्या है लिस्टिंग फॉर्म में हमें दिया हुआ है वन थ्री फाइव ये इसके एलिमेंट्स है एन इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है टू फोर सिक्स देन एम इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है देखो यहाँ पे हमें एम इंटरसेक्शन एन बताना है इंटरसेक्शन का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि कॉमन मतलब सेट एम और सेट एन में क्या कॉमन है देखो सेट एम में हमें क्या दिया हुआ है वन थ्री फाइव एन में हमें दिया हुआ है टू फोर सिक्स लेट्स चेक कि यहाँ पे कुछ कॉमन है या नहीं देखो यहाँ पे वन है यहाँ पे वन नहीं है थ्री यहाँ पे थ्री नहीं है फाइव यहाँ पे फाइव नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम इंटरसेक्शन एन की वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे जो सेट होगा वो क्या होगा एम टी सेट होगा या फिर नल सेट होगा और चलो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे हमें सी दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन सी में फाइव फाइव मतलब ये किसका सिंबल है नल सेट और एम टी सेट का तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी फाइव अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सेट पी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है एक ऑड नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है देखो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है कि वो वन से ग्रेटर है जैसे वन भी क्या हुआ एक ऑड नंबर हुआ बट जो x होगा वो वन से ग्रेटर होगा और इट इज लेस देन और इक्वल्स टू फाइव और वो फाइव के या तो इक्वल होगा या फिर उससे स्मॉलर होगा हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे तो हमें क्या करना है ऑड नंबर लिखने ऑड नंबर किसके बीच में होने चाहिए वन और फाइव के बीच में होने चाहिए बट इट इज इक्वल्स टू फाइव ऑल्सो मतलब हम फाइव को ले सकते हैं तो देखो अगर हम इसको देखेंगे तो वन हमें लेना नहीं है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना इट शुड बी ग्रेटर देन वन तो क्या बाकी है कौन कौन से ऑर्ड नंबर होते हैं थ्री फाइव इसका मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इन ब्रैकेट थ्री फाइव अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सेट पी इक्वल्स टू देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हमें कैसे नंबर दिए हुए हैं वन टू यहाँ पे डैश डैश है उसके बाद टेन है इसका मतलब देखो अगर सिर्फ डैश डैश होता मतलब वो क्या होता है इनफाइनाइट होता बट ये कहाँ तक है टेन तक है टाइप ऑफ सेट पी इज हमें बताना है कि पी किस टाइप का सेट है देखो यहाँ पे क्या है नंबर्स कैसे हैं वो हमने देख लिए कि यहाँ पे नंबर जो है वो वन टू टेन है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तक है ये नंबर ए हमें दिया हुआ है नल सेट नल सेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर नहीं है बट ऐसा तो है नहीं यहाँ पे नंबर्स है मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सेकेंड बी में हमें दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट तब होता जब ये सिर्फ ऐसे डॉट्स लगे होते और उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है अगर यहाँ पे लास्ट में नंबर है इसका मतलब क्या है कि ये अप टू द टेन है तो ये भी नहीं होगा इट्स नॉट अ इनफाइनाइट सेट नाउ सी पार्ट में हम आते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि ये क्या है काउंटेबल है हम उसे काउंट कर सकते हैं तो ये क्या होगा फाइनाइट सेट तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन देखो डी में हमें क्या दिया हुआ है नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस तब होता है जब ये सी वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलता अभी हमें सी वाला ऑप्शन मिल गया है मतलब ये सी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे हमें दिया हुआ है एम यूनियन एन और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है देखो यूनियन का मतलब आपको पता है ना यूनियन का मतलब है एम और एन का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों सेट है तो ये हमें कितना दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड एम इक्वल्स टू वन टू फोर और हमें यहाँ पे एम की वैल्यू दी हुई है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट एन तो हमें बताना है कि सेट एन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है देखो यूनियन का मतलब है एम और एन का कॉम्बिनेशन है तो हमें ये पहले चेक करना होगा कि एम के कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो जो बाकी बचे हुए होंगे वो किसके होंगे एन के होंगे तो देखो यहाँ पे मैं से छोटा छोटा टिक कर देती हूँ ये यहाँ पे वन है टू है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है फोर दिया हुआ है इसका मतलब थ्री फाइव सिक्स जिसमें भी होंगे वो सेट एन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चलो चेक कर लेते हैं देखो ऑप्शन ए में हमें वन टू थ्री दिया हुआ है इसका मतलब थ्री फाइव सिक्स तो नहीं दिया है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा नहीं बी में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें थ्री फोर फाइव सिक्स दिया हुआ है देखो थ्री फोर फाइव सिक्स हमें दिया हुआ है ओके okay, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं नाउ यहाँ पे हम सी में आएंगे तो यहाँ पे क्या है टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा उसके बाद है फोर फाइव सिक्स देखो फोर फाइव सिक्स दिया है बट हमें थ्री भी चाहिए हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पे देखो थ्री फाइव सिक्स थ्री फाइव सिक्स जो है वो तीनों हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एलिमेंट फोर जो है वो इंटरसेक्शन हो सकता है एन के साथ में तो मतलब जो कॉमन होते हैं ना वो तो कॉमन हमें पता है कि हमें से टू टाइम नहीं लिखना होता है वन टाइम लिखना होता है तो ये यह फोर यहाँ पे हो सकता है इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अब हम आते क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इफ पी इज अ सबसेट ऑफ एम मतलब पी जो है वो एम का सबसेट है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम तो देखो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है इससे कि जो पी जो है वो किसका सबसेट है एम का सबसेट है इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर हम एक बड़ा सर्कल लेंगे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम को ठीक है अगर ये एम है और पी इसका सबसेट है मतलब पी कहां पे होगा इसके अंदर होगा ये क्या होगा सबसेट पी होगा इसका पार्ट होगा तो हमें क्या बताना है P इंटरसेक्शन पी यूनियन एम तो अगर हम पी और एम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये क्या होगा इन दोनों का यूनियन हो जाएगा तो P इंटरसेक्शन हमें बताना है तो P इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे ये दोनों का यूनियन बनाएंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कॉमन इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा देखो पी जो है वो सिर्फ इसके अंदर का पार्ट है इसका सबसेट है तो जो कॉमन भी होगा वो यही वाला पार्ट कॉमन होगा क्योंकि पी का भी पार्ट है और ये दोनों का जब हमने यूनियन किया देखो पी जो है वो सेट पी है मतलब वो तो हाई है और वो एम का सबसेट है मतलब उसके अंदर है तो इसका मतलब जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा पी होगा तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना ए ये हो जाएगा इसका आंसर देखो क्योंकि एम तो हो नहीं सकता क्योंकि एम तो कॉमन पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि पी इसका सबसेट है एम जो है एक बड़ा सेट है तो पी उसका पार्ट तो है नहीं इसका मतलब वो उसका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता इंटरसेक्शन का मतलब हमें पता है कि कॉमन होना चाहिए तो वो कॉमन है ही नहीं और यहाँ पे दिया हुआ है पी यूनियन एम यूनियन एम अगर हम कहेंगे तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है तो वो कैसे होगा कॉमन नहीं होगा ना उसके बाद दिया हुआ है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम तो वो भी यहां पे पॉसिबल नहीं है इसका मतलब सिर्फ जो पी वाला पार्ट है वही कॉमन है ये दोनों के बीच में तो उनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी क्या होगा ये पी होगा सिक्स क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट्स मतलब बिल्कुल खाली है कोई वैल्यूज के अंदर नहीं है ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है एम टी सेट हमें बताना है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरलर लाइन्स मतलब जो पैरलर लाइन्स होती है ना आपको पता है कि पैरलर लाइन्स क्या होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन्स होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग प्वाइंट ऑफ पैरलर लाइन्स हमें पता है कि पैरलर लाइन्स का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है तो उसका सेट पॉसिबल है ही नहीं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्योंकि ये क्या है एक एम सेट है तो चलो बाकी के भी चेक कर लेते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर क्या होता है टू होता है तो अगर टू भी हमारे पास आ रहा है तो वो क्या होगा एम सेट तो होगा नहीं सी में हमें दिया हुआ है मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन थर्टी डेज मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ना उसमें थर्टी डेज से कम वाले कितने मंथ होते हैं तो उसमें हम फेब्रुआरी लिख सकते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू है लिखने के लिए तो वो भी एम सेट नहीं होगा नेक्स्ट ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है पी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स मतलब एक्स जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है और हमें x की वैल्यू दी हुई है इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन एंड इट शुड बी लेस देन वन तो देखो माइनस वन और वन के बीच में क्या आता है जीरो आता है इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है जीरो आने वाला है जीरो है इसका मतलब वो क्या है एक इंटीजर है उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है तो वो भी एम्प्टी सेट तो होगा नहीं इसका मतलब जो इसका ए वाला जो आंसर है ये क्या होगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट तो यहाँ पे हमें फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें हमें रीड करके बताना है कि कौन सा सेट हम कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट हमें दिया हुआ है कलर्स ऑफ द रेनबो हमें पता है कि रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं ठीक है तो इसको हम सेट ले सकते हैं क्योंकि जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो चेंज तो नहीं होते हैं जो सेवन कलर्स हैं वो स्टैंडर्ड है वो वैसे ही रहेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं एज अ सेट हम ले सकते हैं तो में हमें क्या दिया हुआ है टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस स्कूल कैंपस में जो टॉल ट्रीज है उनका सेट देखो ये जो टॉल ट्री है वो वेल well डिफाइंड नहीं है मतलब कैसे कंसीडर करें इसको कि कौन से ट्री को हम बिल्कुल टॉल बोले अगर कोई लंबा है तो कोई उससे भी लंबा ट्री आ जाएगा तो हम किसे टॉल ट्री कहें तो ये क्या है एक वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है रिच पीपल इन द विलेज देखो रिच पीपल इन द विलेज किसको हम रिच कहेंगे मतलब अगर कोई रिच है तो वो बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं उनसे जो कम रिच वाले होंगे उनको वो नहीं मानेगा मतलब पर्सन टू पर्सन वो डिफर करेगा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक अभी इजी एग्जाम्पल क्या होता है मतलब अगर आपको आता है तो आपको वो इजी लगेगा नहीं आता है तो टफ लगेगा इसका मतलब ये भी कोई वेल well डिफाइन हमें दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई किया है और वेल well डिफाइन नहीं किया है और जो चीज बिल्कुल वेल well डिफाइन है वो है सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू एन क्या होता है नेचुरल नंबर और डब्ल्यू क्या होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर हमें पता है कि वो वन से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर से इनफाइनाइट तक और जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू थ्री ऐसे और इनफाइनाइट तक होते हैं देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन इनके बीच में क्या कॉमन है तो वन से लेके इनफाइनाइट तक और यहाँ पे भी वन से लेके इनफाइनाइट तक कॉमन है जीरो जो है वो होल नंबर में है बट इनके पास नहीं है तो इसका मतलब हम उसके सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो ऐसे हम कर सकते वन टू थ्री और ये कहाँ तक हो जाएगा इनफाइनाइट तक तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हमें क्या बताना है इंटरसेक्शन बताना है इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये दोनों सेट में कॉमन क्या है तो वन से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर है वो कॉमन है दोनों के बीच में और देखो ऑप्शन बी में हमें यहां पे जीरो दिया हुआ है तो जीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है सी में हमें दिया हुआ है जीरो जीरो को हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि जीरो जो है वो कॉमन नहीं है और हमें क्या बताना है इंटरसेक्शन और डी में हमें यहाँ पे एम टी सेट दिया हुआ है तो ये एम टी सेट भी नहीं है क्योंकि इनके बीच में काफी सारे नंबर हैं जो कॉमन है तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड इंडिया तो हमें क्या करना है इंडिया जो वर्ड है उसका सेट बनाना है लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट बी इन लिस्टिंग फॉर्म तो लिस्टिंग फॉर्म में कौन सा होगा वो हमें बताना है देखो हमें पता है कि कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं तो देखो यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा अब हम आते हैं इसके बी ऑप्शन में चलो चेक कर लेते हैं आई एन डी उसके बाद आई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वो नहीं आएगा उसके बाद आएगा ए एन उसके बाद हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा और यहाँ पे तो क्या हो रहा है देखो ये लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना तो कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं तो ये नहीं होगा और तो यहाँ पे आई नहीं है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इफ सेट टी इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेट to इक्वल फोर सेवन एट देन T यूनियन M इक्वल्स टू देखो यूनियन का मतलब क्या होगा ये पूरा और ये पूरा यूनियन मतलब बिल्कुल दोनों दोस्त बन गए दोनों को पूरा साथ में लिख देना है बस ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ कॉमन है तो वो हमें रिपीट नहीं करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन चेक कर लेते हैं कि क्या कॉमन है तो देखो वन टू थ्री देखो यहाँ पे ये थ्री और यहाँ पे ये थ्री है टू टाइम्स है ये थ्री और ये थ्री उसके बाद यहाँ पे ये फोर दिख रहा है और ये यहाँ पे फोर दिख रहा है ये भी कॉमन है उसके बाद है फाइव तो यहाँ पे नहीं है सेवन एट मतलब थ्री फोर और थ्री फोर यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है तो चलो इसको चेक कर लेते हैं देखो ऑप्शन ए में हम देखेंगे तो यहाँ पे एट है एट हमें नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं होगा बी ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे फोर और फाइव नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये भी नहीं होगा सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे थ्री फोर सेवन एट देखो थ्री फोर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे फाइव तक यहाँ पे है उसके बाद सेवन एट बाकी है तो यहाँ पे हमने लिख लिया सेवन एट इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और ये थ्री फोर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम यूनियन बना रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ टू एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं तो ये जो कम्प्लीट यूनियन हमें प्रॉपर दिख रहा है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है आउट ऑफ हंड्रेड पर्सन इन अ ग्रुप एक हंड्रेड पर्सन का ग्रुप है सेवेंटी टू परसेंस स्पीक इंग्लिश इसमें सेवेंटी टू परसेंस जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं फोर्टी थ्री पर्सन स्पीक फ्रेंच उसमें से 43 लोग जो हैं वो फ्रेंच बोल सकते हैं मतलब ये जो हंड्रेड है ना आउट ऑफ हंड्रेड जो है उसमें से जो लोग हैं वो तो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हैं मतलब वो या तो इंग्लिश बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हैं या फिर वो दोनों को बोलते हैं मतलब वो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल सकते हैं देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश तो हमें क्या बताना है जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उनके बारे में बताना है देखो आप बोलोगे कि ये 72 तो दिया है बट ये जो 72 जो है वो सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं है मतलब उनको इंग्लिश भी आती है और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इंग्लिश प्लस फ्रेंच आती है मतलब कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे यहाँ पे जो फोर्टी थ्री फ्रेंच स्पीकिंग है वो फ्रेंच के साथ साथ उसमें से कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंच के साथ में इंग्लिश भी बोल सकते हैं हमें क्या बताना है कि कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच और कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ और हमें ये बताना है कि कितने लोग जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल को हम यू ले सकते हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हम कैपिटल ई e से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्रेंच बोलते हैं उन्हें हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमने लिख लिया लेट यू बी द सेट ऑफ टोटल पर्सन इ बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इन इंग्लिश एंड एफ बी द सेट ऑफ पर्सन हु हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ऑफ ई इक्वल्स टू सेवेंटी टू एन ऑफ एफ इक्वल्स टू फोर्टी थ्री एन ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू हंड्रेड मतलब दो ही लैंग्वेज है ना इंग्लिश और फ्रेंच है सो so जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे उसको हम यूनियन ले सकते हैं तो ई यूनियन एफ कितना हो जाएगा हंड्रेड अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं देखो ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को ई का मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है तो वो कितने है हमारे पास सेवेंटी टू है और ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन को जो कितने हैं फोर्टी थ्री है हमारे पास ओके और ये क्या है यूनियन है मतलब ये जो पूरा है वो कितना है हंड्रेड है तो ये जो इसका शेडेड वाला पार्ट है ना इसको हम थोड़ा शेड कर लेते हैं तो ये क्या होगा इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे पर्सनस जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं मतलब दे कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में देखो वी नो दैट ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं अभी भी हम यूज करेंगे क्योंकि हमें इंटरसेक्शन कितना है ये नहीं पता है ये बताना है और ये जो 72 वैल्यू है ये 72 टू इस पूरे सर्कल की है इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में वो भी है बट कितना है वो हमें यहाँ पे नहीं पता है तो चलो जो वैल्यूज हमें थ्री वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फोर्थ वैल्यू निकाल लेते हैं तो देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं E यूनियन एफ देखो ये यह हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे हंड्रेड इक्वल्स टू एन ऑफ ई हमें कितना दिया हुआ है सेवेंटी टू तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेवेंटी टू प्लस एन ऑफ एफ हमें कितना दिया हुआ है फोर्टी थ्री तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्टी थ्री माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमें फाइंड करना है तो चलो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम लिख लेते हैं हंड्रेड इक्वल्स टू सेवेंटी टू और फोर्टी थ्री को हम ऐड करेंगे जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वन वन फाइव माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अभी हमें क्या करना है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू वन वन फाइव रहेगा ये यह यहाँ पे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड चलो इसको हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा फिफ्टीन इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला ये वाला पार्ट था ना ये हमें कितना मिल गया फिफ्टीन मिल गया अब देखो ये सेवेंटी टू अगर ये पूरा सर्कल है मतलब ऐसे जो इंग्लिश भी बोलते हैं और उसके साथ में वो फ्रेंच भी बोल लेते हैं तो सेवेंटी टू में से ये फिफ्टीन को हम माइनस करेंगे तो सिर्फ ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमें पता चल जाएगा और वो क्या हो जाएगा ऐसे पर्सन जो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं और यहाँ पे है ये 43 मतलब 43 वाला एरिया कितना है इतना है तो यहाँ पे हम 43 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं तो चलो वो भी हम कर लेते हैं तो ये हमने लिख लिया नाउ नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इक्वल्स टू एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और एन ऑफ ई हमें कितना गिवन है 72 जिसमें से हम माइनस करेंगे 15 को तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 57 इसका मतलब 57 ऐसे पर्सन हैं जो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं नंबर ऑफ सन हु स्पीक ओनली फ्रेंच तो यहाँ पे एन ऑफ एफ में से हम माइनस करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ को तो देखो फ्रेंच स्पीकिंग वाले कितने थे फोर्टी थ्री सो फोर्टी थ्री में से हम फिफ्टीन यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ट्वेंटी एट और ये हमें मिल गया आंसर जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं वो फिफ्टी सेवन परसेंट है और जो फ्रेंच बोलते हैं वो सिर्फ ट्वेंटी एट है और जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो फिफ्टीन परसेंट है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है सेवेंटी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ एंड नाइन्टी ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा तो मतलब पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए सेवेंटी ट्रीज और प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए नाइन्टी ट्रीज ऑन द दीजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक मतलब एक ट्री प्लांटेशन वीक चल रहा था जिसमें उन लोगों ने इतने नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट किया आउट ऑफ दीज ट्वेंटी फाइव ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम उसके साथ ही ट्वेंटी फाइव ऐसे ट्रीज हैं जो दोनों ने साथ में प्लांट किए हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाई पार्थ और प्रज्ञा मतलब पार्थ और प्रज्ञा दोनों ने मिलकर कितने ट्रीज प्लांट किए वो हमें बताना है दोनों ने मिलकर किए इसका मतलब क्या होगा हमें यूनियन बताना है तो देखो यहाँ पे पार्थ के लिए हम उसके सेट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रज्ञा को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों को हम सेम तो ले नहीं सकते हैं सो एन ऑफ पी कितना हो जाएगा सेवेंटी और एन ऑफ डी कितना हो जाएगा 90 और जो दोनों ने साथ में किए साथ में किए मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन सो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा 25 हमें क्या करना है दोनों का यूनियन निकालना है और यूनियन के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं सो so, ये हमने लिख लिया लेट पी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पांच एंड डी बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा सो देर फॉर हमने यहाँ पे लिख लिया एन ऑफ पी इक्वल्स टू सेवेंटी एन ऑफ डी इक्वल्स टू नाइनटी एंड एन ऑफ पी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव वी नो दैट ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो एन ऑफ पी हमें कितना गिवन है सेवेंटी प्लस एन ऑफ डी हमें गिवन है यहाँ पे 90 माइनस पी इंटरसेक्शन डी हमें दिया हुआ है 25 तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 70 और 90 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 160 सिक्सटी माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू 160 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 135 इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितने 135 ट्रीज प्लांट किए सो so, इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं देयर फोर ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा आर 135 मतलब दोनों ने 135 ट्रीज प्लांट किए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वेंटी एन ऑफ बी इक्वल्स टू ट्वेंटी एट एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है देखो यहाँ पे हमें थ्री वैल्यूज दी हुई है फोर्थ वैल्यू हमें फाइंड करना है तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं सो so, यहाँ पे हमने गिवन पार्ट लिख लिया एंड वी नो दैट ये फॉर्मूला हमें पता है हम अभी तक यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया देर फॉर अब हम सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं एन ऑफ यूनियन बी हमें कितना दिया हुआ है थर्टी सिक्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्टी सिक्स इक्वल्स टू एन ऑफ ए हमें गिवन है ट्वेंटी प्लस एन ऑफ बी हमें गिवन है ट्वेंटी एट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो चलो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये थर्टी सिक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देर फॉर हमें क्या करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन यहां पे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हम लिख लेते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट ये इधर लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ट्वेल्व तो देखो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर देयर फॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ट्वेल्व और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन अ क्लास एट स्टूडेंट्स आउट ऑफ ट्वेंटी एट हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम मतलब एक क्लास है हम क्लास की बात कर रहे हैं जहां पे ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स है और उस ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स में से एट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग एज अ पेट एनिमल है ट्वेंटी एट हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें एट स्टूडेंट्स के पास क्या है डॉग है एज अ पेट एनिमल सिक्स स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देर पैट एनिमल मतलब सिक्स स्टूडेंट ऐसे है जिनके पास कैट है एज अ पैट एनिमल टेन स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बूथ और टेन स्टूडेंट के पास डॉग एंड कैट दोनों है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट है डॉग और कैट एज देर पैट एनिमल एट होम मतलब अब हमें बताना है की कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे है जिनके पास डॉग या कैट कुछ भी नहीं है एज अ पैट एनिमल सो so, पे ऑल स्टूडेंट के सेट को हम लेंगे यू ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग है एज अ पेट एनिमल उसको हम लेंगे सेट डी और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कैट है एज अ पेट एनिमल उसको हम उनके सेट को हम लेंगे सी सो so, यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अ डॉग एज अ पेट एनिमल सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अ कैट एज अ पेट एनिमल तो यहाँ पे एन ऑफ यू हम ले लेंगे ट्वेंटी एट मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यूनिवर्सल सेट हम लेंगे ट्वेंटी एट एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी हम लेंगे टेन मतलब जिनके पास डॉग और कैट दोनों हैं ना इसको अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं क्योंकि देखो ये ट्वेंटी एट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग है कैट है या फिर दोनों है या फिर कुछ भी नहीं है तो इसको हम वेन डायग्राम से इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे U का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 28 है और ये वाला जो सर्कल है वो क्या है D है D का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास डॉग एज अ पैटर्निमल है और ये वाला जो सर्कल है ये सी है तो so, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास कैट एज अ पैटर्निमल है देखो यहां पे डॉग जिनके पास है वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं एट है जिनके पास कैट है वो कितने स्टूडेंट्स हैं सिक्स है और जिनके पास दोनों है तो वो कितने हैं टेन है देखो ये क्या हो गया देखो ये दोनों सर्कल साथ में क्या हो गए डी यूनियन सी मतलब एट प्लस टेन प्लस सिक्स हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई ना कोई पेट एनिमल है या तो डॉग है या कैट है या फिर दोनों है का मतलब अगर यहाँ पे यूनियन में ट्वेंटी फोर है तो कितने बच्चे हैं अगर टोटल ट्वेंटी एट है तो ट्वेंटी फोर अगर यूनियन में है तो फोर बाकी है तो फोर यहां पे हो जाएंगे आउटसाइड पे मतलब ऐसे स्टूडेंट्स फोर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है सो so, इसको हम लिख लेते हैं एन ऑफ डी यूनियन सी इक्वल्स टू एट प्लस टेन प्लस सिक्स तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मतलब क्या हो गया ये दोनों का यूनियन हो गया अब यूनिवर्सल सेट में से इनके यूनियन को हम माइनस करेंगे तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है तो so इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल तो ये कितने हो जाएंगे इक्वल्स टू ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फोर तो हमें कितना मिल जाएगा फोर और ये हो जाएगा इसका आंसर अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सेट ए दिया हुआ है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ है थ्री फोर फाइव सेवन बी हमें दिया हुआ है वन फोर एट देखो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फोर है और यहाँ पे फोर है इसका मतलब ये फोर फोर दोनों में कॉमन है तो ये किस में आ जाएगा इंटरसेक्शन में आएगा तो चलो इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं सो इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो ये फर्स्ट वाला सर्कल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी उसके बाद हमने देखा कि इनके बीच में कॉमन क्या है तो देखो यहाँ पे जो ये फोर था ये यहाँ पे कॉमन था तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे हम फोर लिख लेंगे उसके बाद थ्री फाइव सेवन ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री फाइव सेवन ये हमने लिख लिया नाव यहां पे देखो फोर हमने ऑलरेडी यहां पे लिख लिया है तो ये वन और एट लिखना है तो ये हम लिख लेते हैं वन एट और ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहां पे हमें सेट पी दिया हुआ है ए बी सी ई एफ और सेट क्यू हमें दिया हुआ है एल एम एन ई बी अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन है देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी हमें बी दिख रहा है इसका मतलब बी यहाँ पे कॉमन है इसका मतलब ये क्या कर रहा है इंटरसेक कर रहा है उसके बाद हमें यहाँ पे ई e दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी ई दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ई e भी है वो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ जाएगा नाव देखो बी और ई e, ये दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया है तो जो बाकी का पार्ट है वो हम लिख लेते हैं तो क्या क्या है हमारे पास ए सी एफ और यहाँ पे आ जाएगा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एल एम एन और ई e और बी को हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेट पी और ये रिप्रेजेंट कर रहे है क्यू अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो यहाँ पे हमें सेट एक्स क्या दिया हुआ है एक्स सच देस इज अ प्राइम नंबर बिटवीन एटी एंड हंड्रेड हमें क्या करना है एटी एंड हंड्रेड के बीच में जो प्राइम नंबर है वो लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू तो चलो मुझे बताओ क्या क्या हो जाएगा इसका प्राइम नंबर एटी एटी वन एटी टू नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एटी थ्री तो इसको हम लिख लेते हैं 83 उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 84 85 86 87 नहीं होगा 88 भी नहीं होगा 89 होगा इसका प्राइम नंबर नाउ अभी इसके आगे हम बढ़ते जाते हैं तो देखो 90 भी नहीं होगा 91 92 93 94 95 96 नहीं होगा उसके बाद आएगा 97 98 99 100 तो नहीं होगा तो ये हो गए प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100. हंड्रेड नेक्स्ट हमें वाई में क्या दिया हुआ है वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100. तो ये तो बहुत सिंपल है हमें क्या करना है ऑड नंबर्स लिखने हैं किसके किसके बीच में 90 से 100 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 91, 93 95 97 और 99 ये वाला सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट एक्स को और ये सेकेंड वाला जो सर्कल है ये सेट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके बीच में क्या क्या कॉमन है देखो यहाँ पे हमें 97 दिख रहा है यहाँ पे 97 दिख रहा है तो ये दोनों के बीच में कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 97। सेवन सो तो अभी जो बाकी के पार्ट है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि अभी कुछ भी और कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाले में एटी और आ जाएगा यहाँ पे एटी y वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं 91 93 95 एंड 99 हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर एट में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कुछ सेट्स दिए हुए हैं उनके बीच में हमें सबसेट रिलेशन लिखना है सबसेट रिलेशन का मतलब कि कौन किसका सबसेट है देखो यहाँ पे एक्स हमें क्या दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रीलेटर एस दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर वी हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स वाई हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ड्रम्बोसेस टी हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पैरलेलोग्राम्स सो हमें क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें जरा उसका रिवीजन करना होगा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमारे माइंड में रहेगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एट स्टैंडर्ड में पैरालेलोग्राम रोम्बल्स एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें ईजी हो जाएगा उनके सबसेट रिलेशन बताने में स्क्वायर आप सबको पता है कि कैसा होता है जिनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगल में इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं हो और यहाँ पे भी ये क्या करता है परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं पेरलेलोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में पैरलर होते हैं रोमबस में क्या होता है इसमें भी जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं और इनका जो बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो भी क्या होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिनके फोर साइड्स होते हैं तो ये हमने देख लिया इनके स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि इनका सबसेट रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं देखो सबसे पहला सबसेट रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है जिनके फोर साइड्स होते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फोर स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बर्स इनके सभी कितने हैं फोर साइड्स हैं इसका मतलब ये सब क्या होंगे सबसेट होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है तो चलो ये रिलेशन हम लिख लेते हैं एस इज अ सबसेट ऑफ एक्स ये हम लिख सकते हैं ये हो गया फर्स्ट सेकेंड हम लिख सकते हैं V इज अ सबसेट ऑफ X नेक्स्ट हम लिख सकते हैं T इज अ सबसेट ऑफ X तो पेरेलेलोग्राम भी क्या है इसके फोर साइड्स है मतलब वो भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है? है और यहां पे हमारे पास Y जो कि क्या है रोम्बस है और रोम्बस भी क्या होगा Y इज अ सबसेट ऑफ X ना नेक्स्ट हम रिलेशन देखते हैं देखो ये क्या है स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में हमें पता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो स्क्वायर में भी क्या है ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एस इज अ सबसेट ऑफ वी नेक्स्ट रिलेशन हम देखेंगे एस और टी का देखो स्क्वायर में हमें पता है कि इसके ओपोजिट साइड्स क्या होते हैं एक दूसरे के पेरलर होते हैं टी में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पेरलर होते हैं तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एस इज अबसेट ऑफ टी नाव हमें ये बात भी पता है कि स्क्वायर में इनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोमबस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस इज अ सबसेट ऑफ वाई नाव नेक्स्ट रिलेशन हम देखेंगे देखो रेक्टेंगल जो होता है इसमें हमें ये पता है कि इसके ओपोजिट साइड इक्वल होते हैं सो so, पेरेलोग्राम में भी क्या होता है कि इसके ओपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं V is a subset of T. Now next relation हम देखेंगे कि जो Y है ये क्या है रोमबस है तो रोम्बस में क्या होते हैं Opposite sides parallel होते हैं और हमें पता है कि पैरलेलोग्राम में भी opposite sides parallel होते हैं इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं Y is a subset of T. तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y is a subset of T. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है इफ एम इज एनी सेट मतलब एम कोई सेट है देन राइट एम यूनियन फाइव मतलब हमें क्या करना है एम यूनियन फाय लिखना है फाय हमें पता है कि एम टी सेट होता है नल सेट होता है उसके साथ में हमें लिखना है एंड एम इंटरसेक्शन फाय एम और नल सेट का इंटरसेक्शन लिखना है देखो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया है कि एम जो है वो कौन सा सेट है तो देखो इनका यूनियन अगर हमने इन दोनों का यूनियन किया तो हमें पता है कि फाय क्या होता है नल सेट होता है नल सेट का मतलब है वो एम है उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो अगर इसका हम यूनियन भी करेंगे तो वो कितना आएगा एम ही आएगा ना बिकॉज जो भी वैल्यू होगी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एम के होंगे क्योंकि एम टी सेट में तो कोई भी वैल्यू नहीं होंगे तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें एम और अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें नल ही मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरसेक्शन तभी होगा ना जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो बिकॉज यहाँ पे फाय मतलब नल सेट में कोई वैल्यू ही नहीं है अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाय इसका मतलब है कि नल सेट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है सो so, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं एम यूनियन इक्वल्स टू एम M intersection phi equals to phi. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टेन में देखो यहाँ पे हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ये है सेट ए सेट बी और यहाँ पे इनका ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है आई डोंट नो यहाँ पे स्टार क्यों लगाया बिकॉज बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गि सेट्स तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है इन्हें ऑब्जर्व करना है और गिवन सेट्स लिखने हैं यू लिखना है यू में क्या होगा यूनिवर्सल सेट तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है आपको सब लिखने हैं बट उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और यस ए और बी आपको नहीं लिखना है ये इनके एलिमेंट नहीं है ये ये दोनों सेट के नाम है तो बट असेंडिंग ऑर्डर में ए में क्या आ जाएगा ये जो सर्कल है सेट ए वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वन टू थ्री फाइव सेवन ये लिखना है उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी तो ये सर्कल जो है सेकेंड वाला यहाँ पे जो बी के अंदर है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है उसके बाद हमें दिया हुआ है ए ए यूनियन बी ए यूनियन बी में हमें ये पूरा लिखना है ए और बी दोनों को साथ में लिखना है वन और फाइव को हमें रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये क्या है इंटरसेक्शन है नेक्स्ट हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी ये तो काफी ज्यादा इजी है ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ वन और फाइव ये यहाँ पे कॉमन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो चलो ये भी लिख लेते हैं सो so, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यू लिखते हैं देखो यू यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा तो यहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमें नहीं दिया हुआ है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नहीं है और यहाँ पे हमें लिखना है थर्टीन तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको लिखना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमें यहाँ पे नहीं दिया है अब हम अब हम आगे लिखते हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व भी हमें यहाँ पे नहीं दिया है उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा थर्टीन तो ये हमने लिख लिया इसका यूनिवर्सल सेट अब हम आते हैं सेट ए में सेट ए में हमें क्या दिया हुआ है सॉरी मैं यहाँ पे ये कर ब्रैकेट डालना भूल गई थी ये हम कर लेते हैं नाउ अब हम लिख रहे हैं सेट ए सेट ए में ये वाले हैं सेट ए वन टू थ्री फाइव सेवन तो ये हमने लिख लिया सेट ए के एलिमेंट नेक्स्ट है सेट बी सेट बी में हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वन फाइव एट नाइन टेन तो ये हमने सेट बी भी लिख लिया नाउ हमारे पास है ए यूनियन बी तो ये भी हम लिख लेते हैं सारे नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वरना हम कोई नंबर मिस कर सकते हैं तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर हम नहीं लिखेंगे बिकॉज फोर यहाँ पे यूनियन का पार्ट नहीं है उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइव सिक्स हमें नहीं दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेवन एट नाइन टेन और ये हो जाएगा इसका यूनियन यूनियन का मतलब क्या है कि ये दोनों सर्कल के अंदर जो है वही हमें लिखना है और ये जो पार्ट है इसे हमें सिर्फ वन टाइम लिखना है कॉमन को भी वन टाइम लिखना है तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी नाउ अभी हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा वन फाइव ये जो है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो दोनों के बीच में कॉमन है वो हमने लिख लिया सो so, इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन नंबर टेन कंप्लीट कर लिया है आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर इलेवन में इफ एन ऑफ ए इक्वल्स टू सेवन एन ऑफ बी इक्वल्स टू थर्टीन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फोर देन एन ऑफ ए यूनियन बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें थ्री वैल्यूज दी हुई है और यूनियन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं तो वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सोल्व कर लेते हैं सो so, ये हमने सारे गिवन पार्ट्स लिख लिए और ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है ये फॉर्मूला हमने लिख लिया सारे वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं एन ऑफ ए हमें गिवन है सेवन प्लस एन ऑफ बी हमें गिवन है थर्टीन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है फोर इक्वल्स टू थर्टीन में हम सेवन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वेंटी माइनस फोर अभी इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिक्सटीन देयर फॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू सिक्सटीन और ये हो जाएगा इसका आंसर बचो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट तो यहाँ पे हमें थ्री सेट्स दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट सेट ए और सेट बी उसके साथ में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये आपको देखना है ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे इसको लिखना है तो जितना ज्यादा हो सके आप पॉसिबल हो आपके लिए आप इसको सोल्व करो और ये ब्लैंक्स को कम्प्लीट करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओ आपसे जितना सॉल्व होगा होगा नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके आपको बताती हूँ तो चलो आज की वीडियो में इतना ही बचो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन Bye.